नमस्कार, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपना अगला लेक्चर लेकर फ़ोटोशॉप पे। फ़ोटोशॉप पे हमने अभी तक कुछ उसके बारे में पढ़ा था, वर्जन्स देखे थे और फिर हमने फ़ोटोशॉप के इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी ली थी, जो बहुत ज़रूरी है। जब पता होगा इन्वायरमेंट के बारे में तभी हम उसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। फिर हमने देखा कि फ़ोटोशॉप में सेलेक्शन टूल कैसे काम करता है, तो उसके माध्यम से हम ये भी देख पाए कि फ़ोटोशॉप क्या कर सकता है। हमने रंगों में कुछ बदलाव किया तो इमेज का तो रंग रूप ही बदल गया था। आज हम ये सीखेंगे कि एक चीज़ और सीखने जो चीज़ वाली है वो ये है कि फ़ोटोशॉप का पेज इमेजेस का साइज़ हम कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, वो हम सीखेंगे। तो हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो रीसाइजिंग इमेजेस हैं। तो आगे आइए बढ़ते हैं, फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे और फ़ोटोशॉप पे क्लिक करेंगे, फ़ोटोशॉप ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप एक न्यू फाइल उस मेन स्क्रीन से जाएंगे, क्लिक पे न्यू फाइल मेन्यू पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप कैनवस, हम नया कैनवस लेंगे तो उसका नाम देंगे फाइल का, हमने यहाँ पर नाम दिया है। और फिर उसके विड्थ और हाइट सेट करेंगे जैसा हमको चाहिए, जो रिजोल्यूशन चाहिए। रिजोल्यूशन किस में होता है? पिक्सल पर इंच में होता है, बिल्कुल। अब फ़ोटोशॉप के पिक्सल सेट करेंगे तो अमूमन अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं तो बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस पर 72 पिक्सल्स पर काम करता है और ओके कर देंगे। तो हमारे सामने ये कैनवस आ गया है। अब इस वाइट स्क्रीन पर हमें एक फ़ोटो चाहिए जिस पर हम काम करेंगे, तो हमें एक ओपन करना पड़ेगा। फाइल में जाएंगे, ओपन सब मेन्यू पर जाएंगे और वहाँ पर आपके पास कुछ फ़ोटो हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सनफ्लावर की, सूरजमुखी का फ़ोटो है वॉलपेपर का, वो मैं लूँगा, उस पर हम काम करेंगे और बस क्लिक कर देंगे ओके को या फिर आप एंटर प्रेस कर दीजिए, वो फाइल खुल जाएगा। ये दूसरी बात है फ़ोटोशॉप में, देखिए दो फाइल एक साथ खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं जो ऊपर जहाँ मैंने आपका टूल बार है, टूल बार के थोड़ा सा ऊपर दो टैब आपको दिखाई देंगे, एक डार्क ग्रे में एक लाइट ग्रे में। तो जो लाइट ग्रे है वो एक्चुअली सनफ्लावर वाली फ़ोटो का टैब है जिस पर सनफ्लावर की फ़ोटो खुली है। उसके बगल में वो हमारा पुराना जो हमने नया कैनवस खोला था वो है। ये हमारे सामने फ़ोटो आ गया है, इसको हम मार्की टूल से सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे जितना हमको चाहिए, तो हमने भी उतना सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे जिससे कि मैं अपने कैनवस पर उसको ले जा पाऊँ। तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे जितना एरिया आपको चाहिए डिज़ाइन करने के लिए, और मूव करते हुए, ड्रैग करते हुए उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे या फिर एडिट मेन्यू में जाके कॉपी प्रेस करेंगे। हम कॉपी कर लेंगे इस पिक्चर के उस पार्ट को जो हमने सेलेक्ट किया है और फिर हम क्लिक करेंगे उस टैब को जो हमारा नया कैनवस, हमने न्यू कैनवस क्रिएट किया था, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वाइट स्क्रीन आ जाएगा। अब उस वाइट स्क्रीन के सेंटर पे क्लिक करके हमें उसको वहाँ पर जो पिक्चर हमने कॉपी किया था सनफ्लावर का, उसको यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं एडिट में जाके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं शॉर्टकट क्लिक करूँगा और उसको पेस्ट कर सकता हूँ। शॉर्टकट है मेरा कंट्रोल प्लस वी, कीबोर्ड में आप कंट्रोल वी क्लिक करें वो प्रिंट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल वी किया और मेरा पिक्चर यहाँ पर आ गया, लेकिन मेरे पिक्चर में और मेरे कैनवस के रिजोल्यूशन में फ़र्क था, अंतर था। धीरे धीरे आगे सीखेंगे हम रिजोल्यूशन की बात, तो फ़र्क था। तो इसलिए जो पिक्चर आया है वो बड़ा आया है तो उसको हम स्केल कर लेंगे। स्केल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर, वी, सिर्फ वी प्रेस करिए तो हमारा मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। या तो आप मूव टूल पर क्लिक कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, नहीं तो आप कंट्रोल के साथ नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रोल के साथ हम मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड से सिर्फ वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल पर आप आ जाते हैं, उस मूव टूल पर लाएंगे और उसके बाद हम इस लेयर को हम स्केल करना चाहते हैं तो देर इज़ एन ऑप्शन कि हम उसको, एक ऑप्शन होता है हमारे पास कंट्रोल टी, फ्री ट्रांसफॉर्म कहते हैं, जिसको हम एडिट मेन्यू में जाएंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन भी वहाँ पर होता है, वहाँ क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्म। तो आप देखेंगे एक स्केलिंग बाउंडिंग बॉक्स आपके सामने आएगा और वो हमारे कैनवस के बाहर तक जा रहा है, इसका मतलब फ़ोटो उतनी बड़ी है, वो हमारे कैनवस से उतना लार्ज हो गया है। तो उस फोटो को स्केल करके हम अपने कैनवस के साथ एडजस्ट करेंगे। तो जो कॉर्नर्स पे आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं उस बाउंडिंग बॉक्स पे, वहाँ पर माउस ले जाके प्रेस करके ड्रैग करके आप उसको छोटा कर सकते हैं। अब अगर आप उसको लगता है कि फ़ोटो का जो रेशियो है वो ख़राब ना हो, तो
उस बाउंडिंग बॉक्स को छोटा करते वक्त आप शिफ्ट कीबोर्ड में दबा लें तो उसका रेशियो वाइज भी वो ठीक छोटा होता है, हाइट एंड विड्थ बिल्कुल सिमिलर पैशन में वो छोटे होते हैं। तो अपने अनुसार आप उसको छोटा कर लीजिए, अपने कैनवस पे एडजस्ट कर लीजिए। हमने इसको कर लिया, ये हमारा एडजस्ट हो गया है। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए, जो बाउंडिंग बॉक्स है वो आपका हट जाएगा और अब हमारे पास जो एक लेयर है वो हमारे सामने है जिस पर हम काम करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक नीचे एक ऑप्शन है जहाँ पर टूल बार ख़त्म होता है, वहाँ पर राइट हैंड साइड पे उसका परसेंटेज दे रखा है कितने परसेंट में आप देख रहे हैं उसको। उसी के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं डॉक, जो डॉक्यूमेंट के बारे में सारी जानकारी देता है, जहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारी फाइल का हाइट कितना है, विड्थ कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, अमूमन साइज़ क्या आ रहा है, डॉक के आगे जो लिखा हुआ है उसका साइज़ लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, उस पर माउस ले जाके उस पर प्रेस करिए, क्लिक नहीं करेंगे, प्रेस करिएगा तो ऑटोमेटिकली उस पर वो सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाती है, जो फोटो आपके सामने खुला हुआ है फोटोशॉप पर, जो पिक्चर हमने लिया था, तो वो कितना रेजोल्यूशन का है, कितना हाइट है, कितना विड्थ है, किस चैनल पे है, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है, तो इससे हम पता लगा पाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस साइज़ को हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो एक तरीका है, मेन्यू में जाएँ, इमेज पर, फिर आप जाएँ इमेज के साइज़ पर, इमेज साइज़ पर, इमेज साइज़ पर जाके या तो हम ऐसे जा सकते हैं, नहीं तो Alt plus Control plus I is a shortcut of this image size. अगर आप इमेज साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आपको वो पैलेट चाहिए जहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, तो या तो आप इमेज में इमेज साइज पे चले जाइए और या फिर आप Alt plus Control plus I सेलेक्ट करें तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा कुछ इस प्रकार। उस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक डायमेंशन है और एक रेजोल्यूशन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो उस डायमेंशन पर आप देखेंगे, सबसे नीचे उस डायलॉग बॉक्स पर देखेंगे तो एक ऑप्शन है कंस्ट्रेंट प्रपोर्शन। अगर वो कंस्ट्रेंट प्रपोर्शन क्लिक्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसे आप क्लिक कर लीजिए, नहीं तो आप जब हाइट और विड्थ दोनों सेट करते हैं तो उसके रेशियो में ख़राब होने की गुंजाइश रहती है। कंस्ट्रेंट प्रपोर्शन अगर आपका क्लिक है तो आप विड्थ को सेट करेंगे, हाइट अपने आप ही सेट हो जाएगी, जो उसका सही प्रपोर्शन होगा उसमें वो सही काम करेगा। उन्हीं विड्थ और हाइट के बगल में आप देखिएगा स्क्वायर में, वहाँ पर आपको लिंक भी दिख रहा होगा, वो बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रेंट प्रपोर्शन। तो आप यहाँ पर विड्थ सेट कीजिए, इसको हमने चेंज करके यहाँ पर हमने 300 पिक्सल 300 उसका साइज़ कर दिया है, जो 600 था उसको 300 कर दिया है, और 600 के साथ 500 हाइट थी, वो देखिए अपने आप ही वो 250 हाइट अपने आप कंस्ट्रेंट प्रपोर्शन में एडजस्ट कर लिया है। जब इतना काम हो जाएगा तो आप इसको ओके कर दीजिए, फाइल आपका छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से मैं फाइल को छोटा कर सकता हूँ, उसका साइज़ को रीसाइज़ कर दिया मैंने, जितनी मुझे ज़रूरत है, तब वो 600 थी, मुझे 300 की ज़रूरत थी, मैंने 300 किया, ओके किया, मेरा फाइल रीसाइज़ हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, फिर से आप जाएं वहाँ पर अपना साइज़ को आप चेक करें, वो डिटेल भी चेंज हो गई होगी अब जो आपने फाइल में चेंज किया है। दिस द वे हम फाइल को रीसाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं रेजोल्यूशन पर। अब हम देखिए यहाँ पर इमेज साइज़ पर हमने देखा होगा जो वैल्यूज़ हमने देखी थी डायलॉग बॉक्स के अंदर, और हमने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया था। अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे रेजोल्यूशन को। लेट्स सी, जो फाइल आपने देखी थी वो इस साइज़ की थी जो 300x250 की थी, अब हम यहाँ पर रेजोल्यूशन चेंज करेंगे। अब रेजोल्यूशन को हमने 72 से लेकर 300 का कर देना है। तो 300 का मतलब क्या है, पहले जो हमारे हर इंच पर पिक्सल पर इंच पर 72 पिक्सल आते थे, मगर अब वहाँ पर हम क्या चेंज करना चाहते हैं, 300। तो 300 पिक्सल्स देते ही फाइल चेंज हो जाएगा और वहाँ पर रेजोल्यूशन में साइज़ भी आपका बढ़ जाता है, वो ध्यान लगता है अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन 300, और फिर आप उसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखेंगे तो फाइल का साइज़ बहुत बड़ा आपको नज़र आएगा, फिर आप डिटेल देखेंगे तो फाइल का साइज़ बढ़ भी गया होगा, वो 300 रेजोल्यूशन पे दिखाने लग जाएगा, लेकिन जो आपको फ्लावर इतना स्क्रीन पे बड़ा नज़र आ रहा है, एक्चुअल में वो इतना बड़ा नहीं है, उसका रेजोल्यूशन सिर्फ बड़ा है, उसका वेट बढ़ गया है, लेकिन उसका विड्थ और हाइट जो प्रिंट साइज़ है वो उतना ही है, क्योंकि हमने इसे रेजोल्यूशन चेंज किया था। रेजोल्यूशन चेंज करने का फ़ायदा ये मिला कि अगर मैं इस फाइल को प्रिंट करता हूँ तो जो प्रिंटिंग है उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर आएगी। अब आपके 300 डॉट्स पर इंच पर कलर काम करेंगे, जो पहले 72 पिक्सल्स पर काम कर रहे थे। अब आप जाएंगे व्यू में, ऑप्शन में है, उसमें एक ऑप्शन है आपका प्रिंट साइज़, आप प्रिंट साइज़ पे करें, उसे क्लिक कर दें, फाइल का साइज़ आपको दोबारा उतना ही नज़र आएगा, जबकि आप फिर से एक बार डॉक पे जाके फाइल के साइज़ को देखेंगे तो वो उतना ही होगा, लेकिन वो फाइल का साइज़ जो आपको नज़र आ रहा है छोटा, वो एक्चुअली प्रिंट साइज़ है। अब इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी क्वालिटी 72 रेजोल्यूशन से बेहतर आई, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन क्या है, 300 है।
तो इस तरीके से हमने अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, इट इज़ फॉर यू कि आपने जो काम किया उसको आप सेव कर लीजिए, उस फाइल को आप सेव कर लीजिए। और सेव करने के जब आप सेव करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें एक तो फाइल का नाम आएगा वो जो आपने पहले डिसाइड किया था कैनवस का वो आएगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, जो ब्लू कलर से सिलेक्शन में दिखा रखा है। उसी के नीचे एक आ रहा है फाइल टाइप, अब फाइल टाइप में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आपको ओरिजिनल काम अपना सेव करना है जिसको बाद में आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए आपको फॉर्मेट चुनना पड़ेगा फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट का, जो उसको बोले हैं डॉट PSD। अगर आप JPG सेलेक्ट करते हैं, GIF सेलेक्ट करते हैं, तो वो एक पोर्टेबल फॉर्मेट बन जाता है जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर पाते हैं। बाद में फिर से हमें मॉडिफिकेशन करने के लिए फोटोशॉप का एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर जो ओरिजिनल काम आपने सेव किया है उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं दोबारा, तो आपको फाइल को किस में सेव करना पड़ेगा, .psd में, दैट इज़ कॉल्ड फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। तो आपका ओरिजिनल काम उस फाइल में सेव हो जाता है, और बाकी हम डेस्कटॉप पर कर रहे हैं, आप कहीं पर भी अपने सिस्टम पर उसको सेव कर सकते हैं जहाँ पर आपको बेहतर लगे। Now you can see the canvas name with .psd extension, जहाँ पर आपका फाइल का नाम लिखा हुआ था अब उस फाइल पर .psd extension भी दिखा रहा है, इसका मतलब मैंने उस फाइल को सेव कर दिया है। अब अगर इस पर और कोई काम मैं करूँगा एडिटिंग का या कुछ भी काम करेंगे, तो वो जो अब काम इसके बाद करेंगे उसको दोबारा सेव करना पड़ेगा, लेकिन आपको दोबारा नाम नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ फाइल में जाके सेव दबाना है, वो फाइल भी सेव हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा .psd लग गया है, फाइल सेव है हमारी, हमें सिर्फ बार बार उस चेंजेस को सेव करना है जो Ctrl+S से, Ctrl+S से, या फिर फाइल में जाके सेव से आप सेव कर सकते हैं। दिस इज द वे वी कैन रीसाइज एनी इमेज और सेव अ फाइल। धन्यवाद, आज के लेक्चर इतना ही था जो हमें बता रहा था कि फोटोशॉप में रीसाइजिंग कैसे की जाती है। ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें अलग अलग फॉर्मेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक ही फाइल को कई कई साइज़ में सेव करके रख सकते हैं। धन्यवाद।